भाई वाह, आज फिर सब्जी पका रहे हो। भाई तुम लोग इंसान हो या गाय बकरे? और तू कोई शेरनी है जो रोज गोश्त खाती है? रोज नहीं तो हफ्ते में एक दो बार तो खा ही लेती हूँ। अच्छा बकवास बंद कर, ये बता तशरीफ क्यों लाई है? तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, बबन कहाँ है? बबन से क्या काम है तुम्हें? वो मुझे उसको अपने साथ ईद की शॉपिंग पे लेके जाना है। और बात सुनो, मेरे उस बावले बेटे को मजीद बावला बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अकेली जाओ, डर लगता है क्या? ओए नौशी किसी के बाप से भी नहीं डरती। अच्छा वो तो मैंने सोचा कि मैं शॉपिंग करूंगी तो वो मेरे थैले उठा लेगा। क्यों, वो तेरे बाप का नौकर है? ए बाप पे मत जा। ए अरे भाई वाह 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 वाह, यहाँ कोई मशायरा नहीं हो रहा जो वाह 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 करके आया है। अरे अम्मा बिल्कुल सास और बहू लगती हो आप दोनों लड़ते हुए। अल्लाह ना करे, ये और मेरी बहू, अरे मुझे क्या पंखे झड़वाने, जाड़ की जाड़। हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसे जाहिल और फकीरों में शादी करने का। नाराज कर दिया ना मेरी नौशी को आपने। तो तू चला जाना, जाके मना ले। अरे पड़ जा जाके पैर उसके। पैर? मेरे पेट तक उसके पैर है, कहाँ से पढ़ू मैं? चल चल निकल यहाँ से, दफाओ। अबे चल दफाओ। अरे निकल। अरे माँ बनने की जरूरत नहीं है। अरे तेरी माँ बदतमीज। ओ अच्छा बातें करा लो इससे सुबह। इधर से। अरे अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, अल्लाह की कसम बंदूक चला दूंगा मैं तुझ पे। मारने की क्या जरूरत है? ईद की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग, अरे ईद की शॉपिंग। हाँ वो तो मुझे भी करनी है। अरे आ गया बबन। हाँ माँ। बैठ जरा। हाँ। अरे बैठ भी जा। तोबा। अरे बैठ जल्दी। अम्मा मैं तुमसे नाराज हूँ। अरे चुप कर, मेरी बात सुन। अभी इतनी बातें तो मैं नोशी की सुन के आ रहा हूँ यार, अब आप भी बोल लो। मेरे प्यारे बबन, मैंने एक बड़ी अच्छी स्कीम सोची है। देख तेरे अब्बा और प्यारे तो इतकाफ में जाके बैठ गए। ईद सर पे है और हमारे पास एक ढेला नहीं है रुमाल खरीदने के लिए। अरे अम्मा तो मामू को फोन कर लो ना, थोड़ा रोना धोना मचाना और पैसे मिल जाएंगे। वैसे तुम इस काम में बड़ी चैंपियन हो। अरे मामू ने जो भेजना था भेज दिया, अब वहाँ से कोई उम्मीद न रखना। अब जो भी करना है ना हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। देख हम ना इस घर में एक कमरा किराए पे दे देते। अरे अम्मा दिमाग तो नहीं शार्ट हो गया तुम्हारा? एक कमरे के हम घर में रहते हैं, वो भी अगर किराए पे दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो जब इस घर में एक मैदान जैसा है ना, हम वहाँ रह लेंगे। और नौशी हमें जान से मार देगी। नौशी को कौन कमबख्त बताएगा? मैं बताऊंगा और कौन बताएगा? तू नौशी को बताएगा, तेरा मुंह नहीं तोड़ दूंगी मैं। कमबख्त, बात सुन। देख किराएदार आएगा तो एक महीने का किराया देगा, 3 महीने का एडवांस देगा। अरे हमारी ईद बहुत आराम से गुजर जाएगी। अम्मा अगर 3 महीने का हम लोग एडवांस लेंगे तो 3 महीने वो इधर भी तो पड़ा रहेगा ना, और अपन लोग रोड पे पड़े रहेंगे। क्यों, ईद के गुजरते ही हम उसे किसी बहाने से निकाल देंगे। और हाँ उसका 3 महीने का एडवांस अपन लोग खा लेंगे, है ना? अरे अम्मा क्या टाइट बात की, अब लग रही है ना तुम बब्बन की माँ एकदम 2 नंबर। वाह बस अब तू जल्दी से किराएदार पकड़। नौशी ने अगर पूछा ना तो कह देना कि ये हमारा रिश्तेदार है। अम्मा अब नौशी से झूठ बुलवाओगी क्या? ओहो तू बड़ा नौशी का वफादार बन गया। अम्मा वफादार कुत्ता होता है। तो तू कुत्ते से कम है क्या? ए बबन क्या दरवाजा खुलने की दुआएं मांग रहा है? नहीं उड़ते परिंदों के पर गिन रहे थे। साहिल तेरी परवाज से जलता है जमाना, इन आग के शोलों को जरा और हवा दो। ओ ओ भाई ये आग और ये परिंदे और ये आसमान बाद में देखते रहना। अच्छा ये बताओ हो कौन? खाकसार को अलाउद्दीन अलाओ कहते हैं। अलाउद्दीन अलाओ, ये अलाओ कितनी दफा है? देखिए खातून, पहला अलाओ हमारा नाम, दूसरा अलाओ तखल्लुस। ओ देखो भाई मुझसे सादा अल्फाज में बात करो, ये मुश्किल जबान मेरी समझ में नहीं आती। ये बताओ कौन हो, कहाँ से आयो, किससे मिलना है और क्या मसला है तुम्हारा? है हल तलब मसले तो कुछ और भी, मगर अपने लिए ही सबसे बड़ा मसला ही हूँ मैं। तो मैं ना अभी ऐसे पिटवाऊंगी ना अपने बब्बन से। ए बब्बन
यही ये जो नाम आप ले रही हैं इन्हीं से मिलना है मुझे। लेकिन वो इस वक्त घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो फिर आप आवाज किसको दे रही थी? वैसे ही तुम्हें डरा रही थी। अर्ज किया है जिंदगी जीनी है तो हालात से डरना कैसा, जंग जो लाजिम हो तो मुकाबिल देखा नहीं करते। ओ शायर भाई अभी तुम चले जाओ, कोई एक घंटे बाद आना बब्बन भी आ जाएगा। तो ठीक है खातून, मसला नहीं, मैं बाहर चबूतरे पे बैठ के उनकी राह तक लेता हूँ। जी बेहतर, बहुत बेहतर। आदाब अर्ज। गालिब की औलाद पता नहीं कहाँ से आ गया, मुसीबत। अम्मा मुबारक हो, मुबारक हो। अरे क्या मेरी कमेटी के पैसे मिल गए? अबे कौन सी कमेटी, डकैती बड़ी थी आपकी जिसका नाम आपने कमेटी रखा हुआ है। किराएदार ढूंढ लिया मैंने। ए कहाँ है? बाहर बैठा है, आजो एडवांस लेने। चलो 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 चलो, आजो 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 आजो, कमान 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 कमान, आजो अम्मा। ये हाय हाय हाय, ये बावला अंदर आ गया। अरे अम्मा यही तो है किराएदार। अरे ये गालिब का बच्चा पागल कर देगा मुझे, मैं मिल चुकी हूँ इससे। अरे अम्मा पार्टी है पार्टी, मैं के तो एडवांस पकड़ो और चल आ जाओ। ये अम्मा हमारी किराएदार है और ये मेरी अम्मा है, प्यार से इनको हम अम्मा कहते हैं, गुस्से में भी हमें अम्मा ही कहना पड़ता है। तो चलो अलादीन भाई एडवांस निकालो। शाबाश। पहले कमरा दिखा दीजिए। अरे क्या शादी करनी है कमरे से, एडवांस निकालो। हुजूर ये बताइए कि किराया क्या लेंगे? 2000 रुपए किराया और 5000 रुपए एडवांस। हाँ 2000 रुपए किराया, 5 रुपए एडवांस, दोनों को मिला के आपके हो गए 11000 रुपए टोटल। देखिए हुजूरे वाला, सुबह 8 बजे में नाश्ता तनावल फरमाता हूँ। अरे मेरी बला से आप सुबह 4 बजे करो, मेरे बाप का क्या जा रहा है? देखिए हुजूर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एडवांस के अंदर ये खाने और नाश्ते के पैसे भी शामिल है ना। अपने को यहाँ खाने को मिल शोरबा नहीं मिलता है, इसको हम नाश्ता करवा के दे। जी जी आपको खाना मिलेगा, लेकिन एक शर्त पे, जो पकेगा वो खाना पड़ेगा। जी खातून बिल्कुल मंजूर है, बस रात को एक अदद आदमी चाहिए होगा। आदमी आदमी, अम्मा अम्मा तुम तो औरत हो, आदमी वजीर वालिद साहब मान जाते हैं ऐसे कामों में अक्सर। वाले मिल जाएगा आपको, थोड़ा बूढ़ा है तो थोड़ा हल्का हाथ रखना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा। आई विल अरेंज। आप गलत जा रहे हैं हुजूरे वाला, दरअसल आदत है रात को सोने से पहले किसी को एक गजल सुनाने की। ओ अच्छा, वो हमारे पास है गालिब की मिस कॉल, वो आएगी ना तो अपने शेर उसको सुनाना और उसके शेर खुद सुन लेना, ठीक है? कबूल है, कमरा दिखा दीजिए, बड़ी मेहरबानी हो। जा दिखा कमरा। अब मैं पहले पैसे तो दिखा। तो कमरा दिखाना जाके, पैसे भी जाइए। आइए आइए आपको कमरा दिखा दे। आइए फॉलो मी, ये हमारा घर है, बस खत्म हो गया, या सीधे हाथ पे आ जाओ। ये भाई बरखुरदार, ये कमरा थोड़ा छोटा नहीं है? तूने जहाज पाक करने इधर? तो गोया मैं ऐसे ही सो जाऊंगा? जी आपको हम एक तकिया और एक चादर दे देंगे, आप यहीं सो जाना। चलिए खैर, हम जरा कैलूला फरमाएंगे, एक अदद ठंडा ग्लास पानी भिजवा दीजिए। ठीक है मैं ठंडा पानी आपके लिए ले आता हूँ, आप आराम से लेट जाओ इधर, ठीक है? अच्छा शाम को 1 घंटे बाद चाय भिजवा दीजिएगा। ठीक है शाम को मैं 1 घंटे बाद चाय भी भिजवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके लिए एक डांस परफॉर्मेंस भी तैयार की हुई है, वो भी कर दूंगा, लड़कियां भी बुलाई हैं 2-4, जरा रौनक लग जाएगी आपके लिए। अब आप आए हो, 2000 रुपये हमें दे रहे हो पर महीना, तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना आपको, है रात को पार्टी माटी भी रखी है। वाह वाह क्या बात है, पानी भिजवा दीजिए, रक्सा है भी है, रक्स भी है, क्या बात है, बड़ी अच्छी डील मिल गई मियां। अम्मा क्या सोच रही हो यार? अरे क्या बताऊं, तेरे अब्बा बहुत याद आ रहे है ना, गालियां देने के लिए कोई भी नहीं इंसान मिले। तू है ना गालियां सुनने के लिए। अब्बा को छोड़ो अम्मा, ये बताओ ये शायर का क्या करना है यार, बहुत मुश्किल आदमी है। हाँ तो बेटा मैंने तो पहले कहा था पैसे कमाना इतना आसान काम नहीं है, क्या कह रहा है बावला? अरे अम्मा कभी कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ पीने को मांगते, 2000 में होटल समझ के बैठा हुआ हमारे घर में। है है? एक कम वक्त का रोजा नहीं है? अम्मा ये तो मैं पूछना भूल गया। बात सुनो जरा, चेक करो ये मुसलमान भी है या नहीं। अरे अम्मा शर्म करो यार, बुढ़ापे में कैसी बातें कर रही हो आप। अरे
मैं आईडी कार्ड चेक करने को कह रही हूँ। अच्छा मैं पता करता हूँ, ठीक है। अच्छा देख, थोड़ा सा फ्रूट लेते आई हो अफ्तार के लिए। थोड़ा सा, जब ज्यादा मंगाती हो तो नीचे लिख देती हो, एक केला एक अमरूद, थोड़े में से थैली आएगी। जा, पैसे दो। पैसे नहीं है मेरे पास। तो क्या टांगे बेच के लेके आऊंगा फ्रूट? वो शायर है ना, उससे ले लेना उधार। उधार 2000 दे के वो डांस देखने को मांग रहा घर के अंदर, उससे फ्रूट के पैसे दूंगा। तेरे फिराक में जो गुजरे लम्हे वो याद आते हैं। सुभान अल्लाह, अलाउद्दीन अलावा, वाह वाह क्या कहने हैं। अरे जनाब, अगर इसी जमीन के ऊपर एक गजल कह दी जाए तो कमाल हो जाए। सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, तुम्हें तो किसी की जरूरत ही नहीं, तुम तो अपने आप से ही बातें कर लेते हो। क्या खूब समझी अम्मा, देखिए इसका फायदा तो देखिए, इख्तलाफ राय करने वाला कोई नहीं है। इसके लिए ना आधा पागल होना बहुत जरूरी है। जिसे दाना कहते थे वो शख्स, सुनो वो पागल हो गया है लग रहा है। भैया देखो, रोजे में मुझसे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, समझे? जो पागल कहते हैं हमें उन्हें कहने दो, अम्मी कहती थी जो कहता है वही होता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, तू क्या पीस है भाई? सुभान अल्लाह, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत। वाह, ये तुम्हारा घर है? देखिए जहाँ हम बैठ जाते हैं वहीं मस्कन बना लेते हैं। क्यों, तुम कब्जा ग्रुप हो? आप यहाँ क्यों? मैं कुछ पहली दफा आई हूँ। ये क्या पीस है भाई? ये कजिन है मेरा। अच्छा, तुम्हारे रिश्तेदार तो तुम्हें मुंह नहीं लगाते, ये कजन कहाँ से आया? देखिए मुंह तो हम भी किसी अरे गैरे को नहीं लगाते, पर आप में बात है कुछ खास। अबे समझा ले इसको बबन, नहीं तो मैं इसको जान से मार दूंगी। जैसे तू वैसे तेरे कजन घर की। नुशी काम डाउन में बात करता हूँ। शायर भाई, आप जो है ना ये अपना नंगे सर के साथ और नंगे आसमान के नीचे नहीं बैठो, अंदर चलो आप, ठीक है? सुभान अल्लाह। ओ भाई अंदर चलो यार। सुभान अल्लाह। अबे यार अंदर चलो, अंदर डालो अपनी चप्पलों में मछलियों में पेट डालो, आगे चलो चलो। यार बेगम गुस्सा कर रही है, नहीं बेगम गुस्सा कर रही है, चलो चलो। ये किन पैसों की बात हो रही थी, पता लगाना पड़ेगा। हाँ शायस्ता, नहीं नहीं बात सुन। हाँ अरे प्यारे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले। अरे नहीं अभी नौकरी वोकरी नहीं करता, इसीलिए तो चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए तो कोई जिम्मेदारी पड़ेगी तो कुछ करेगा ना। हाँ नहीं 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 नहीं, बपन की शादी मैं बाद में करूँगी। देख मेरी कुछ शर्तें हैं, लड़की प्यारी होनी चाहिए और किसी अमीर घराने की होनी चाहिए, बस जिंदगी संवर जाए मेरे बेटे की। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अरे पैसे भी दे दूंगी कमबख्त। हाँ चल तुझसे बाद में बात होगी, अल्लाह हाफिज। भाई वाह वाह, अपने बेटे की शक्ल भी तो देख लो, लड़कियां इनको प्यारी चाहिए। और तुझे इससे क्या लेना देना, और तू क्यों बार बार नाजिल हो जाती है हमारे सर पे? फिर से बदतमीजी, घर से बाहर निकाल दूंगी। एक बात तो बता, ये तू हमें बार बार घर से निकालने की धमकी क्यों देती? जिस दिन मैंने तुझे धमकी दी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा। अच्छा मैं भी तो सुनूं, कौन सी धमकी देंगी आप? मैं ना तेरे घर पे कब्जा कर लूंगी और तू तू बावलियों के घूमती फिरेगी घर खाली करवाने के लिए, समझ ले। वाह वाह बहुत अच्छे, सुबह सुबह ना तब मजाक तक सूट नहीं करता। ओ कोशिश भी ना करना मेरे बहुत ऊपर तक पहुंचे। हाँ वो तो नजर आता है, घर में टिकती का है तू। आज तुम्हारी इस घर में आखिरी इफ्तारी है, सामान बांधो और निकलो, कल से सड़क पे नजर आओगे। ए, कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गई मैं? सचमुच सड़क पे ही ना फेंक दे हमें कमबख्त। सुभान अल्लाह क्या कहने। अम्मा जी मैं ये कहना चाह रहा था, शहरी में जो एक अदद आपने प्लेट भिजवाई थी आलू साग की, लग रहा था जैसे आलुओं की उसमें गल नहीं पाई। तो कोई बात नहीं, पेट में जाके सब बराबर हो जाएगा। सिर्फ ये मसला नहीं था, जो ऊपर वाली रोटी थी नीचे वाले से हसद के मारे जल भुन के कबाब हो गई। अब बोलो पानी भी गर्म था? बिल्कुल सही पकड़ा, चाय ठंडी और पानी गर्म। बात सुनो भाई, कल से ना तुम बाहर खाना खाना, सब बराबर हो जाएगा।
चलिए कोई मुजायका नहीं, एडवांस में से जरा खाने के पैसे तो वापस कीजिए। ओ बेटा, पैसे वैसे की बात नहीं करना, अच्छा भूल जाओ पैसे, कोई और बात करो। हाँ कोई और बात, बड़ी अच्छी कही, ये पूछना चाह रहे थे हम कि वो जो उड़ती उड़ाती परिजात ठंडी हवा के झोंकों की मानिंद वारिद होती है, वो कौन है? वो ताजा हवा का झोंका नहीं है, तूफान है, तूफान। मगर है कौन नम्मा? वो किराएदार है हमारी, कमबख्त किराया भी नहीं देती। वैसे एक बात बताइए, अगर हम उनको शादी खाना आबादी का पयाम भेजें तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? अरे मेरी तरफ से 100 दफा उससे शादी करो, ये बला अपने सर डाल लो, याद रखोगे इंतहाई बदतमीज लड़की है। जी जी, उनकी गुफ्तगू पे एक शेर अर्ज किया है, पहले उसने मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा, इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। हलक दुख गया ये काफ काफ सुन के। ए खैरन, तुम लोगों ने अपना सामान तो बांध लिया होगा ना? तू फिर आ गई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मौके पे वारिद हुई हैं आप, दरअसल एक जरूरी गुफ्तगू फरमानी थी आपसे। ए खबरदार खबरदार, अगर कोई घटिया सा शेर सुनाए तो मुझे इससे और इसके रिश्तेदारों से बात करने का कोई शौक नहीं है। ए क्या फरमाया आपने, कौन रिश्तेदार? कौन रिश्तेदार? तू और कौन? सारी गलत फहमी को दूर करते हैं, मैं बिल्कुल आप ही की तरह एक अदद किराएदार हूँ। हाँ क्या हूँ मैं? अरे भांजे भांजे, क्या क्या कर रहे हैं, जो भी मुंह में आ रहा है पके जा रहा है। ओहो क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं? तू औरत है और क्या है? किराएदार। मैं किराएदार हूँ? अरे ये बावला मजाक कर रहा है, तू कहाँ इसकी बातों को कान धर रही है? देखिए मोहतरमा, मैं शदीद संजीदा मिजाज इंसान हूँ और किराए के मसले भी हमने सुने हैं, एक दफा बात पक्की हो जाने दीजिए, आपका किराया भी हम ही दे देंगे। अच्छा तो उस बब्बन के बच्चे ने झूठ कहा था मुझसे कि ये तुम लोगों का रिश्तेदार है, तुम लोग खुद मेरे किराएदार हो और मेरा घर इस पागल के बच्चे को किराए पे दे दिया। पूरा घर नहीं मोहतरमा, सिर्फ एक अदद कमरा, 2000 रुपल्ली और 5000 एडवांस पर। तुम लोगों को तो मैं पुलिस में दे दूंगी, और तू निठल्ले शायर, चल उठ। अरे मोहतरमा, अलाउद्दीन नाम है हमारा, अलाउद्दीन अलाओ। चल निकल यहाँ से, वरना फूक मार के सारा अलाव बुझा दूंगी तेरा। देखिए बात सुनिए, हम दरअसल आपको शादी का पैगाम देना चाह रहे हैं। अबे और शादी के बच्चे, तू निकल निकल यहाँ से, चल। देखिए मेरे 7000 रुपए हैं इनके पास। अबे ओ, वो 7000 मैं निकालूंगी, तू निकल। ये ले ठंडा हेलमेट तेरे लिए। अरे डरा रही थी तुझे। क्या है शेर? जिंदगी जीनी है तो हालात से डरना कैसा, जंग जो लाजिम हो तो मुकाबिल नहीं देखा करते। भांजे अरे भांजे अरे भांजे, क्या बोल रहा है, चुप हो जा। वही वाला हुआ है। ओ खैरन की बच्ची, नहीं ओ खैर। अरे तो अम्मा वो मामू को फोन कर लो ना थोड़ा।